बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिटेलर अकाउंट, मर्चेंट अकाउंट, एजेंट अकाउंट और मास्टर अकाउंट। ये चार अकाउंट्स के बारे में काफ़ी सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि भाई इन चार अकाउंट्स में क्या फ़र्क है और इन चार अकाउंट्स में क्या क्या बेनिफिट्स होता है। सारा कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर क्लियर करके बताऊंगा, आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी कि भाई मर्चेंट अकाउंट क्या होता है, एजेंट अकाउंट क्या होता है, रिटेलर अकाउंट क्या होता है और मास्टर अकाउंट क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मर्चेंट अकाउंट। मर्चेंट अकाउंट क्या है दोस्तों? मर्चेंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जैसे आपके पास जेस कैश या इजी पैसा का पर्सनल अकाउंट खुला हुआ है, जो हर किसी बंदे के पास होता है, जिसको नॉर्मल अकाउंट कहते हैं। सेम इसी तरह ही होता है मर्चेंट अकाउंट भी, आप इसी तरह से चला सकते हैं। आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन मिलेगी जेस कैश बिजनेस के नाम से, उस एप्लीकेशन में आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी अपनी, वहां पर आपका मर्चेंट अकाउंट बन जाएगा। और अगर आप वहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं तो फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर खोले, वहां पर जाके लिखे जेस कैश मर्चेंट अकाउंट रजिस्ट्रेशन, वहां पर जो जो चीज आपसे पूछेगा आपने वो चीज वहां पर पुर करनी है। इस तरह से आपका मर्चेंट अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा और आपको मर्चेंट अकाउंट में क्या क्या बेनिफिट होंगे ये मैं आपको बताता हूं। दोस्तों मर्चेंट अकाउंट का बेनिफिट ये होता है, जैसे आपका एक लोकल अकाउंट होता है, नॉर्मल अकाउंट जिसको कहते हैं, पर्सनल अकाउंट भी कहते हैं उसको, मर्चेंट अकाउंट उससे ज्यादा बेनिफिट आपको देता है। उस मर्चेंट अकाउंट के अंदर आपको प्रोमो मिलते हैं, उसमें आपको कैश बैक मिलता है, उसमें आपको लिमिट का कोई चक्कर नहीं होता है। मिसाल के तौर पर आप जो पर्सनल अकाउंट होता है उसमें आपकी लिमिट का चक्कर होता है, भाई एक दिन के अंदर आप इतने पैसे निकाल सकते हैं और आपकी लिमिट खत्म हो जाती है। मर्चेंट अकाउंट में वो लिमिट का चक्कर नहीं होता है, जितनी मर्जी आप करते जाए। 5 लाख की लिमिट होती है एक दिन की, बहुत बड़ी लिमिट है मैं समझता हूँ। तो दोस्तों मर्चेंट अकाउंट में आपको ये बेनिफिट होगा, आपकी लिमिट का चक्कर नहीं होता है। मर्चेंट अकाउंट में आप टिल आईडी से पैसे भेज सकते हैं, टिल आईडी से पैसे निकाल सकते हैं, क्यूआर कोड से पैसे निकाल सकते हैं, क्यूआर कोड से आप पैसे भेज सकते हैं। ये बेनिफिट्स होते हैं आपके लिए। अगर आप दुकानदार हैं तो आपको जब मर्चेंट अकाउंट आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा तो आपके पास एक टिल आईडी आ जाएगी, आपके पास क्यूआर कोड आ जाएगा, आप उसको प्रिंट करके अपनी दुकान पर रख दें। जो भी कस्टमर आएगा और वो क्या करेगा, क्यूआर कोड को स्कैन करेगा, वो पैसे डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएंगे। मर्चेंट अकाउंट ये होता है। उसके बाद आते हैं एजेंट अकाउंट। दोस्तों एजेंट अकाउंट क्या होता है? एजेंट अकाउंट वही होता है जो रिटेलर अकाउंट होता है, जो मास्टर अकाउंट होता है उसी को ही एजेंट अकाउंट कहते हैं। सही है, समझ आ गई दोस्तों कि भाई एजेंट अकाउंट क्या होता है? एजेंट उसको कहते हैं जो दुकानदार होता है, उसको एजेंट कहते हैं। उसके बाद आते हैं रिटेलर अकाउंट। भाई रिटेलर अकाउंट क्या होता है? रिटेलर अकाउंट वो होता है, देखें अब मैं कस्टमर हूँ, मेरे पास वो अकाउंट नहीं है जो रिटेलर के पास है। रिटेलर के पास जो अकाउंट होता है उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, उसकी लिमिट अलग होती है। जैसे जेस कैश का मास्टर अकाउंट में आपको इसके बाद बताने वाला हूँ कि भाई मास्टर अकाउंट क्या है। मास्टर अकाउंट भी इसी को ही कहते हैं जो रिटेलर अकाउंट होता है, जो एजेंट अकाउंट होता है, जो आप *787 से मेंटेन करते हैं वही होता है रिटेलर अकाउंट, वही होता है मास्टर अकाउंट, वही होता है एजेंट अकाउंट। अकाउंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 अकाउंट, एक पर्सनल होता है लोकल, और एक होता है मर्चेंट अकाउंट, एक होता है रिटेलर अकाउंट जिसको मास्टर भी कहते हैं, एजेंट भी कहते हैं। तो दोस्तों आपको ये जो फर्क पहले समझ में नहीं आ रहा था कि भाई मर्चेंट अकाउंट क्या है और इजी पैसा का जो होता है क्या पर्सनल अकाउंट वो क्या है, उसके बाद आते हैं रिटेलर अकाउंट वो क्या है, एजेंट अकाउंट क्या है, ये सब कुछ फर्क आपको पहले समझ में नहीं आ रहा था। अकाउंट सिर्फ 3 होते हैं, एक पर्सनल होता है जो हर किसी के पास होता है, दूसरा होता है मर्चेंट अकाउंट, तीसरा होता है रिटेलर अकाउंट। रिटेलर अकाउंट, एजेंट अकाउंट और मास्टर अकाउंट, ये 3 एक चीज होती है, मर्चेंट अकाउंट इससे अलग होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये मालूमात आपको समझ में आ गई होगी। और दोस्तों अगर आपको ये नहीं पता कि भाई रिटेलर अकाउंट में क्या कमीशन होता है, मास्टर अकाउंट, रिटेलर अकाउंट, एजेंट अकाउंट, ये 3 एक ही चीज होती है, इनमें क्या क्या फर्क होता है या फिर इनमें क्या क्या कमीशन मिलता है, अगर आपको नहीं पता तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक दे रहा हूं उन वीडियो का कि भाई रिटेलर अकाउंट कैसे बनता है और इसके अंदर कमीशन कैसे मिलता है। आप इन डिस्क्रिप्शन की वीडियो को विजिट करें और इन वीडियोस को देखें। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये मालूमात आपको पसंद आई होगी। अगर ये मालूमात आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।